जो घटनाक्रम सियासत का महाराष्ट्र में देखने को मिल रहा है उसे ये समझ में आ रहा है कि उद्धव सरकार का जाना तय है, क्योंकि नंबर गेम में उद्धव ठाकरे बुरी तरीके से फंस चुके हैं। शिवसेना के 55 में से 40 विधायक भागी हो चुके हैं। उद्धव ठाकरे पर सरकार जाने का खतरा तो मंडरा ही रहा है, पार्टी से भी बेदखल होने का खतरा उनके ऊपर आ चुका है, यानी कि शिवसेना टूट के कगार पर पहुंच गई है। रिपोर्ट दिखाता है। गिरेगी उद्धव की सरकार, टूटेगी शिवसेना, नंबर गेम में उद्धव फेल, शिंदे के सामने सरेंडर। शिवसेना के 40 MLA अभी यहाँ मौजूद है। क्या गिर जाएगी उद्धव ठाकरे की सरकार? क्या शिवसेना नेता और उद्धव सरकार के कैबिनेट मंत्री शिंदे शिवसेना को तोड़ देंगे? क्या बाला साहब ठाकरे के शिवसेना से उद्धव ठाकरे बाहर हो जाएंगे? क्या एकनाथ शिंदे ही बाला साहब ठाकरे के शिवसेना को आगे बढ़ाएंगे? क्या उद्धव ठाकरे की हालत भी दिवंगत राम विलास पासवान के बेटे चिराग पासवान की तरह हो जाएगी? क्या उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे और संजय राउत को शिवसेना से बेदखल कर दिया जाएगा? एकनाथ शिंदे के बगावत के बाद ऐसे कई सवाल उठ रहे हैं और इन सभी सवालों का जवाब विधायकों के नंबर गेम में फंसा हुआ है। महाराष्ट्र में विधानसभा की 288 सीटें हैं, बहुमत के लिए 145 सीटें चाहिए, लेकिन शिवसेना के एक विधायक की मौत हो चुकी है तो अब बहुमत के लिए 144 विधायक चाहिए। उद्धव ठाकरे के महाविकास अघाड़ी के पास 169 विधायक हैं, लेकिन एकनाथ शिंदे के बागी होने के बाद महाविकास अघाड़ी के पास 169 विधायक थे, अब नहीं है। मुंबई से करीब 2800 किलोमीटर दूर गुवाहाटी में डेरा डाले बैठे बागी एकनाथ शिंदे ने 46 विधायकों के समर्थन होने का दावा किया है, जिसमें शिवसेना के 40 विधायक हैं और बाकी 6 निर्दलीय विधायक हैं। 40 MLA अभी यहाँ मौजूद है और सभी लोग जो है, हम बाला साहब ठाकरे जी का जो हिंदुत्व है इस और उनकी जो भूमिका है उसको हम लोग आगे ले जाना चाहते हैं। एकनाथ शिंदे के नंबर गेम में शिवसेना ही नहीं, महाविकास अघाड़ी और महाराष्ट्र की सरकार भी फंस गई है। महाविकास अघाड़ी के 169 विधायकों में से शिवसेना के 55, एनसीपी के 53 और कांग्रेस के 44 विधायक हैं। इसके अलावा 17 विधायक छोटे दलों और निर्दलीय हैं। अब जरा शिवसेना के पास कितने विधायक हैं और एकनाथ शिंदे के दावे के बाद कितने विधायक बचे हैं ये भी समझ लीजिए। शिवसेना के कुल 55 विधायक हैं, जिनमें से एकनाथ शिंदे के पास सेना के 40 विधायकों का समर्थन है, यानी 55 में से 40 विधायक बागी हो चुके हैं और अब सेना के पास सिर्फ 15 विधायक ही बचे हैं। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, सत्ता जाएगी और क्या होता है, ज्यादा से ज्यादा क्या होगी, महाराष्ट्र की सत्ता जाएगी, सत्ता वापस आ सकती है। सर प्रतिष्ठा होती है पार्टी की, वो सबसे ऊपर है। उद्धव सरकार का जाना तय है, क्योंकि सरकार बचाने के लिए 144 विधायक जरूरी है, जबकि महाविकास अघाड़ी के पास 169 विधायक थे, जिसमें से शिवसेना और निर्दलीय विधायक मिलाकर 46 बागी हो चुके हैं, यानी कि अब महाविकास अघाड़ी का आंकड़ा घटकर 123 हो गया है, जबकि बहुमत के लिए 124 विधायक चाहिए। यह आंकड़े बता रहे हैं कि उद्धव सरकार का पैकअप हो गया है। जो आज विरोध कर रहे हैं, मैं उनको एक ही बात कहना चाहता हूं कि कल के बाद परसों भी आता है, मैंने ये सब बहुत देखा हुआ है और मुझे पूरा यकीन है कि उद्धव ठाकरे जी के नेतृत्व में शिवसेना में फिर से एकता बनी रहेगी। शिंदे के खेमे में शिवसेना के बागी विधायकों की संख्या बढ़ती जा रही है। अब शिंदे ने शिवसेना के ऊपर दावा ठोक दिया है और शिवसेना के विहिप को अवैध करार देते हुए शिंदे ने शिवसेना पर दावा ठोकते हुए भरत गोगावले को विधान मंडल का नेता और विहिप चुना है। साथ ही शिंदे ने दो टुक कह दिया है कि शिवसेना को विधायकों की बैठक बुलाने का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि शिवसेना के मेजोरिटी विधायक उनके साथ हैं। अब लड़ाई सरकार के ही नहीं बल्कि शिवसेना पर कब्जे को लेकर भी है और शिवसेना के दो तिहाई विधायक शिंदे के साथ है, यानी उद्धव के हाथ से शिवसेना निकलती नजर आ रही है।
ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।